मुंडी ना खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। हेलो दोस्तों, आज के ब्लॉग में है कुछ खास। सुमित कह रहा है कि आज ब्लॉग की शुरुआत मैं करूंगा। मैं आपको बता दूं, आप घबराना मत कि पूरा ब्लॉग इस पे नहीं जाएगा। आप सोचो यार सारा दिन इसको देखेंगे हम ना, वो देखो हमारे आर्टिस्ट यहाँ बैठे हुए हैं, तो ये हमारे बंदे नजर आएंगे आपको। बंदे नहीं, बंदियां। अभी फिर वापिस चलते हैं। अब बोल शुरुआत, जो भी बोलना है तो बोल। हेलो एवरीवन, मनी लहरी ब्लॉग वेलकम। हेलो एवरीवन, मनी लहरी ब्लॉग वेलकम। जब घर पे गेस्ट आते हैं तो ऐसे बोलते हो आप? नहीं, वेलकम अंकल जी, आओ घर पे ही हैं। अंकल घर पे ही हैं, मम्मी पापा आ जाओ। नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी। हां तो थोड़ा अच्छे से करना वेलकम। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी मनी लहरी ब्लॉग में? मुझे लगा जो बार-बार तुम्हें आगे लेकर आ रहे हैं। इसके लिए एक मैसेज भी आया था मुझे। देखो बवन गिल जी कहते हैं, मनी भाई आपके ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, हंस हंस के आंखों से पानी निकलने लगता है। और आगे क्या कहते हैं? कहते सुमित बहुत बोला, मतलब शरीफ लगता है। मतलब वही बात है, लगता है। हाँ, है नहीं? हाँ, हाँ, उन्होंने हाँ, बोल दिया है, उन्होंने आंसर भी खुद ही दे दिया है। ये वाक्य में बहुत कहाँ गया तुम? ये वाक्य में बहुत शरीफ है, बहुत बोला बाला है। अब मिलते हैं बाद में। कैमरा इधर, कैमरा इधर। शिखा, मुझे बहुत सारे कमेंट आए, कहते आपके पापा का वो एपिसोड हमने देखा जिसमें बोला नहीं पापा ने कुंडी 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 कुंडी, वो तो बहुत। तो वो सबकी डिमांड है, कहते प्लीज शिखा को बोलो कि एक बार खुद गा के सुनाए। सीरियसली? हाँ, मुझे परफेक्ट तो नहीं आता, बट मैं ट्राई करती हूँ। मुझे याद है, मैं ट्राई करूँ। सुर में भी गाना ना, वैसे गाना हो तो कोई और बात है। ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ। कुंडी ना खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। कुंडी ना खड़काओ राजा, फूल बिछा के परफ्यूम लगा के मूड बनाओ ताजा ताजा। कुंडी ना खड़का सीधा अंदर आ, कुंडी ना खड़का सीधा अंदर आ, आज 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 आ। कुंडी ना खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ। वाह वाह, मजा आ गया। शिखा गा शिखा रही थी, जोर मम्मा का लग रहा था। कह रही थी परफ्यूम लगा के ये इतने लगे। तो बहुत मजा आया सच्ची में। आप कमेंट करके जरूर बताना, पापा का तो आपको एपिसोड अच्छा लगा ही था, ये इसकी वाले में कैसा लगा? मैंने कॉपी किया पापा को। और ओरिजिनल तू शिखा कर सकती अगर तो फिर कपिल शर्मा शो में होती ना। मनी मेरे को पहले बता देना, बेइज्जती करनी थी। मैं गाती ही ना, मैं कोशिश भी ना करती जो मैंने थोड़ी बहुत भी की है। तूने तो बड़ा अच्छा गाया। yes. पर मुझे किसी बच्ची ने वीडियो बना के भेजी है, उसने क्या परफॉर्म किया यार। अच्छा? ये देखो वीडियो। वाह, क्या परफॉर्म किया है शिखा। इसका नाम है मेबल। जितना इसका नाम मुश्किल है ना, उतनी मुश्किल इसने सुर लगाए हैं। सही बात है। मनी वीडियो अकेले बना रहे हो, साक्षी को बुलाओ। ओ साक्षी, अभी इधर कमरे में बैठे हैं, मैं बुलाकर लेकर। नहीं नहीं, बुलाना क्यों है, हम उधर जाएंगे, हम डरते हैं उससे। मैं ये डरी हूं मनी, ये बुलाकर नहीं लेकर आना, चलते हैं। तो चलो चलते हैं उधर। फैन लगवाओगे तो ही है ना, कितना थोड़ा सा बिजी है, नहीं लगे हुए तो। पापा कब से बोल रहे हैं कि फैन लगने चाहिए, चिराग भैया को बोलो। फैन मना कर दो। क्यों? ये मैंने ऑनलाइन बोल दिया। ऑनलाइन मंगवा रहे हो? नहीं नहीं, लाइव बोल दिया। ये आपको पता नहीं, मनी फैन से बहुत डरता है। मैं बताती हूँ आपको, रुको। नहीं नहीं, मैं बताता हूँ, इसने थोड़ी बढ़ा चढ़ा के बात करनी है। मैं प्रॉपर बताता हूँ फैन से मैं क्यों डरता हूँ। ये जो सीलिंग फैन है, इससे मुझे क्यों थोड़ी सी घबराहट होती है। अच्छा। असल में बहुत पुरानी बात, बहुत पुरानी बात है। 500 साल पुरानी। इतना भी पुराना नहीं हूँ मैं। बड़ा भाई खड़ा, तू बैठी है, चल उठ पहले, इधर आके बैठो ना। ना ना ना, मैंने चेयर पे बैठना है। अच्छा, यस। चलो जी, मैं ही बता देता हूँ कि मैं फैन से क्यों डरता हूँ। मैं जिम में बैठा था, 15 साल का था शायद, मैं जिम जाता था। तो साक्षी मैं बेंच प्रेस कर रहा था। जब हमने वर्कआउट करना होता था, कोशिश यही होती थी वहां करें जहाँ पे ना पंखा लगाओ लगाओ, क्योंकि वो जब हम जिम करते थे वो इतने महंगे जिम नहीं होते थे, मतलब 100-200 रुपया फीस होती थी, एसी वगैरह लगे नहीं होते थे वहां पे। तो वो मैंने देखा यहाँ पंखा लगा है, तो इसके नीचे बैठ के वर्कआउट कर लेते हैं। थोड़ा देर वर्कआउट किया, फिर मैं डंबल रख के साइड पे, मैंने सोचा दूसरा वर्कआउट कर लेता हूँ। साक्षी जैसे मैं उठा, वो पंखा ऊपर से सीधा ही धड़म उसी बेंच पे जहाँ मैं वर्कआउट कर रहा था।
मतलब आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप उठ के उस टाइम इधर चले गए। मेरी किस्मत अच्छी नहीं, तेरी किस्मत अच्छी थी। अगर उस दिन पंखे के साथ साथ मैं दब जाता तो समझी तेरे को ये मैसेज नहीं आने थे, कितना क्यूट कपल मिला है। चुप कर, कितना क्यूट कपल मिला है। चलो मानता ना कपल ही अच्छा है, तू अकेला नहीं अच्छा। उस दिन मतलब मैं डर गया। मैं शिखा याद है तुझे, मैं जब घर पे भी आया मैं पंखे के नीचे सोता ही नहीं था। मुझे लगता था पंखे की वजह से कुछ होना है। मैं इसको लगता था कि हर एक पंखा गिरता ही है नीचे पूरे टाइम बाद। पंखा तो हम अभी भी नहीं लगाते। ऐसी बात नहीं है कि लगाना ही नहीं है अभी घर पे, वो तो हम लगाएंगे। आपके डर की वजह से हमें थोड़ी पंखा नहीं लगाएंगे। तारे थोड़ी ना लटकती रहनी। वो बात भी सही है। अब बंदा नहाते नहाते गिर जाए अगर तो ये थोड़ी ना बंदा नहाना ही छोड़ दे। सही बात है, एग्जांपल अच्छी दे रहा है। मतलब मुझे पता क्या लग रहा है कि गलती फिर भी तेरी थी। क्यों? तू पंखे के नीचे एक्सरसाइज लगा रहा है, तुम्हें नहीं पता पंखा गिर सकता है कभी भी। पंखे का क्या कसूर है इसमें? मतलब मैं पंखे पे इल्जाम ना लगाऊं? ना बिल्कुल ना लगाऊं। इल्जाम से मुझे एक कमेंट भी याद आ रहा है। एक कमेंट आया हुआ आपको जिसने आपके ऊपर इल्जाम लगाया। अच्छा, हां जी। मनी पाजी, आप सब्सक्राइबर से पैसे लेते हो उनके कमेंट्स पढ़ने के? नहीं नहीं, ये कमेंट मैं खुद पढ़ लूं, नहीं तो फिर एंड में यही बात होनी है, आपने थोड़ी ना पढ़ा है। बिल्कुल। नितिन कुमार जी बड़े प्यार से मेरे पे इल्जाम लगाते हुए कहते हैं, मनी पाजी आप सब्सक्राइबर से पैसे लेते हो जो उनके कमेंट्स पढ़ते हो, हमारे तो कभी पढ़े नहीं। देखो अभी आपका कमेंट पढ़ा ना, मैंने आपसे पैसे लिए नहीं लिए ना। आपके पास मेरा अकाउंट नंबर ही नहीं, आप पैसे कैसे ट्रांसफर करोगे? ठीक है, उनको अपना अकाउंट नंबर दें या ना दें। मुझे पता क्या लग रहा है, अभी उनको और गुस्सा आएगा कि मेरे अच्छे कमेंट नहीं पढ़े, इल्जाम वाला कमेंट पढ़ लिया। अच्छा मम्मी को कहाँ छोड़ा है? मम्मा के पास चलते हैं। मम्मा ने भी कहना, मुझे तो भूल ही जाते हो, सारे कमेंट तो यही आते हैं, आंटी कहाँ है, आंटी कहाँ है, आंटी के पास चलो यार। मुझे लगता है पूरे ब्लॉग में यही हो रहा है कि साक्षी मम्मी को ढूंढ रहे हैं, कभी मम्मी को कभी साक्षी को। आ जाओ मम्मा। मुझे अभी पता लगा, मनी ने बताया, कहते फैन गिरा था मेरे ऊपर। ले तुम आज पता लगा, एक दिन तो यहाँ पे भी गिर गया था। तुझे पता ही नहीं, घर वाले अपनी बेइज्जती हो। देखो बच्चा होता जब छोटा तो पता नहीं चलता। हमारे घर पे ना मियानी होती थी। मियानी आप समझते होंगे हिंदी में, पंजाबी में मियानी कहते हैं, अब हिंदी में क्या बोलते मुझे नहीं पता। जैसे ये घर, जैसे ये है ना रूम मान लो, तो यहाँ पे वो शेल्फ पड़ी हो या कुछ, उसको खुद नहीं पता। समझ लें कि इसको क्या बोलते हैं पंजाबी में, छोटी सी पहनी है, ऊपर कोई जगह हो, एक रूम छोटा सा बना हो इतनी सी, ऐसे ही जैसे यहाँ पे शेल्फ डाल। आप बोल, मैं सोच जाता हूँ, जब क्लियर हो जाए ना मुझे उठा देना। रूम के अंदर ड्यूप्लेक्स रूम, छोटा रूम, फालतू वगैरह सामान टकाने के लिए। हमारे पंजाब में बोलते हैं मियानी, मियानी मियानी बोलते हैं, पता होगा पंजाबी। छोटी भी बोलते हैं यार, अन्नी मैंने पंजाबी नहीं आती। मनी को क्या हो गया? मनी वो बात इस तरह से थी, मेरे अंदर ना एक साइंटिस्ट छिपा हुआ था। अच्छा, साइंटिस्ट? Yes. हाँ जी था। वो था क्यों हुआ वो बता रहा हूँ। अब मैंने देखा मियानी में ना एक हमारे घर पे ना बल्ब लगा हुआ था, वो होता नहीं थे बड़े बड़े बल्ब होते थे, उसके साथ ना साक्षी वायर लगी हुई थी, वायर के साथ ही जलता है बल्ब, तो वायर लगी हुई थी, वो बल्ब जल रहा है और मैं बल्ब को देख रहा हूँ, बल्ब के अंदर लाइट कैसे आती है? लाइट इस वजह से आती है, ये तार लगी हुई है इसके साथ, वो तार उसके अंदर फिट है जहाँ पे वो क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रिक बोर्ड। इसने बल्ब के साथ इतनी सी वायर लगी हुई है, इतना सा लोहा जो भी है करंट देने के लिए लगा हुआ है थोड़ा सा, तो इतनी रोशनी करता है। मैंने सोचा अगर इसके साथ बहुत सारा लोहा लग जाए और फिर कितनी रोशनी हो जाएगी, तो मैंने सोचा ये सरप्राइज मैं दूंगा मम्मा को। तो मैंने क्या किया, बल्ब के साथ वो शैनी ना थी लोहे की जो पापा घर पे काम करते थे, मैंने क्या किया बल्ब के साथ वायर तो लगी थी, तो मैंने कहा वायर के साथ लोहा और लगा देते हैं। मैंने साक्षी वायर के साथ ना लोहा लपेट दिया, लोहा एकदम से शैनी। अब मैंने कहा अब होनी है असली लाइट घर पे। मैंने वो पकड़ के ना वो स्विच बोर्ड में लगाई, साक्षी का टच ही किया उसको, मैंने ऐसा किया, हाथ में लोहा है, मुझे नहीं पता लोहे से करंट पड़ता, बच्चों पता नहीं है, तो ऐसे किया, ऐसे किया, इतनी दूर गिरा मैं। आज पता लगा मेरा भाई कितना गिरा हुआ है। ओए मम्मा से कोई बात नहीं, तू क्यों सी है? नहीं उसको डांट, उसको याद करवा कि भाई तेरे ने एप्पल वॉच लेके दी थी। एक तो इसने मुझे जब से वॉच लेकर दी है ना, किसी भी काम को मना करती हूँ ना, जैसे कोई काम बोलता है शिखा मुझे चाय बना दे, शिखा ये काम कर दे, तो मैं मना कर देती हूँ कि मनी रुक जा थोड़ी देर, बोलेगा वॉच मनी तू अपनी वॉच वापिस ले ले भाई, ले ले वापिस। ये देखो अभी भी नहीं लगाई हुई, ये बात बंदा तभी कहता है जब ना लगाई हुई, इसने छिपा के रखी हुई है, इसने ब्लॉग में बोल दिया तू वापस ले ले, जब ब्लॉग खत्म होना है मैंने कहा दे वॉच, इसने बोला मजाक की तसी।
तू ऐसा कर शिखा, तू मुझे आईफोन गिफ्ट कर दे, मुझे काम क्या है, जब मैं कहना ना मानू तू भी ऐसे कर मुझे मनी आईफोन, मैं बातें सुनने के लिए तैयार हूँ। नहीं मनी, मैं तुम्हें बातें सुना सकती, मैं सबको काम ही नहीं करूंगी, ऐसा कोई गिफ्ट नहीं दूंगी जिससे बातें सुना सकूं, ठीक है। इस बार तो आईफोन आया भी बड़ा महंगा है, तो फिर मैं लेकर दे सकती हूँ उसको 1 लाख, पता नहीं 80 के 90 हजार, हाँ 2 लाख के करीब है ये वाला iPhone 13। ये बड़े तेज है, इनडायरेक्टली मुझे ये सुना रहे हैं मनी आपका जो बर्थडे आ रहा है कहीं आईफोन की आस ना लगाना हमसे। मनी बर्थडे पे अगर आईफोन लेके दिया फिर हर बार का ये ट्रेडिशन हो जाएगा कि हर बार देना पड़ेगा। अगली बार ना दिया अच्छा गिफ्ट, अगली बार 10 हजार का गिफ्ट दिया तो आपने अच्छा नहीं लगता ना, अच्छा नहीं मिला। भी हम 1 हजार तक की रखते हैं लिमिट, उतना ही रखो वादा उतना ही करो जितना निभा सकते। वाह क्या बात है, हम इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे। मम्मा उन्होंने कोई शेर शेरी की है जो आप अबावा कर रहे हो? शेर जैसा तो बोला ना उसने, शेर जैसा मैं शेर जैसा बोला है। सभी मनी तुमने अपनी शक्ल देखी है जो तुमने आईफोन लेना है? क्या हुआ मेरी शक्ल को, मैं बचपन से हैंडसम हूँ। बचपन से हैंडसम, ये देखो इसके बचपन की फोटो। शिखा नहीं 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 शिखा नहीं 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 आए मम्मी कैसी लगी, कैसी लगी अब बताओ। ये शिखा तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अच्छा लोग बहुत अच्छे हैं बेशक, पर मेरे अंदर से रोना निकला है। इसने मेरी फोटो दिखाई ना आपको? Yes. कोई चक्कर नहीं, अब अगले ब्लॉग में मैं इसकी फोटो दिखाऊंगा, फिर देखना आप कितना हंसोगे। नहीं, 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 तो बाय बाय, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर, मैं दिखाऊंगा। बाय बाय।